परमेश्वर बहुत 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 अच्छा है। मैं आपको सच कह रहा हूँ, पिता बहुत अद्भुत है, जीवित है, और वो हमेशा आपको सुख देने के लिए, न्याय करने के लिए उपस्थित है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें उसके चरणों में समर्पित होकर उसे मांगना है, अपने मन को खोलकर, अपने मन की पवित्रता को परमेश्वर को दिखाना है कि परमेश्वर हम आपसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? यह हमें उसे बताना है, ये उसे बताना है। आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है वो ये है कि छोटे से छोटा आपका बलिदान परमेश्वर के लिए आपको प्रतिफल देता है। छोटे से छोटा बलिदान, हम छोटी से छोटी चीज को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। आपका थोड़ा सा जागना, आपका थोड़ा सा त्याग करना, मैं सच कह रहा हूं, पिता को बहुत भाता है। जब आप कहते हैं कि नहीं पिता, मैं सुबह 7 बजे उठती थी लेकिन मैं तेरे लिए 5 बजे उठूंगी, आप सच मानिए परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। आपका छोटा सा बलिदान, यीशु मसीह ने आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। वो स्वर्ग से जमीन पर आया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उसने कोई पाप नहीं किया लेकिन उसने आपके लिए और मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि हम सुख पाएं। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य के रूप में धरती पर आया, और जब धरती पर रहा तो पूरी तरीके से समर्पित होकर उसने बताया कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। उसके रोज मर्रा के जीवन में आप देखिए कि वो आपसे, वो बताता है कि मेरा प्यार क्या है। इसी तरीके से रोज जीवन में, रोज हमारे जीवन की दिनचर्या में हमें बताना है कि हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं। हमें उसे दिखाना है, चाहे हमारा काम हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हम घर में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बताइए आपके हर काम से, आपके हर त्याग से, आपके हर बलिदान से बताइए कि पिता मैं तेरा हूं और मैं तुझसे प्यार करती हूं। बस आप देखिए आपके जीवन का अद्भुत, आपके जीवन की जो चलन है, वो गति है, वो अलग हो जाएगी। जब हम उसे अपने काम में बताएंगे कि यस परमेश्वर तेरी कीमत हमारे लिए कितनी है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वचन आज का बहुत अच्छा है, विश्वास करिए, और ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? जब आप विश्वास के संग इसे ग्रहण करेंगे, कोई भी चीज अगर हम विश्वास के संग उसे ग्रहण करेंगे ना, आपको अद्भुत आशीष मिलेगा। खाना भी अगर आपके सामने रखा हो, चिकन मटन सब कुछ रखा हो, लेकिन अगर आप बेमन से खाएंगे, स्वादिष्ट खाना भी आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर चटनी रोटी भी कहीं पड़ी हो, कोई बहन बना कर लाती है, और जब आप इसे मन से खाएंगे तो वो चटनी रोटी में भी आपको अद्भुत स्वाद पता चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे ग्रहण करें, अपने जीवन को कैसे ग्रहण करें, अपने रिश्तों को कैसे ग्रहण करें, अपने पिता को कैसे ग्रहण करें जो स्वर्गीय है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आप पर डिपेंड करता है, और जिस तरीके से आप ग्रहण करेंगे उतना ही आशीष आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी पत्नी आपके साथ है, अगर आपने अपनी पत्नी को सिर्फ काम करने वाली एक औरत के रूप में ग्रहण किया है तो आपके घर में सुख नहीं होगा, आनंद नहीं होगा। अगर आप ये सोचते कि पत्नी सिर्फ काम करने के लिए, तो आप उस आनंद को खो देंगे। लेकिन आप अगर महसूस करें कि नहीं, ये मेरी सहभागिनी है, ये मेरी पत्नी है, मुझे परमेश्वर ने दिया है, जब आप उससे पत्नी के रूप में प्यार करेंगे, अपनी सहभागिनी के रूप में प्यार करेंगे, अपनी अर्धांगिनी के रूप में प्यार करेंगे, तो आपके घर में आनंद ही आनंद होगा। काम तब भी करेगी आपकी पत्नी, काम तब भी आप कर रहे हैं, लेकिन आप उस रिश्ते को देख कैसे रहे हैं, आप उस रिश्ते को देख कैसे रहे हैं। एक बोझ है कि नहीं, चलो मेरी पत्नी है, मेरी बच्ची है, मुझे इसका काम करना है, या आप उस रिश्ते को देख रहे हैं कि नहीं,
ये मेरी सहभागिनी है, ये मेरा अंश है, मुझे इसको कैसे लेके चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब आपके सोचने का जब तरीका बदल जाएगा, जब आप कहेंगे नहीं मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर है, जिस दिन आप महसूस करेंगे कि नहीं उसने आपको जीवन दिया, वो स्वर्ग से धरती पर आया ताकि हम सुख पाएं, उसने 39 कोड़ों की मार खाई ताकि वो सारे हमारे दुखों को हर ले, सारी बीमारियों को हर ले। बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आपको देखना है बीमार अब भी होते हैं, चंगाई क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि आप यीशु के कोड़ों को महसूस नहीं कर रहे हैं, उसके लहू बहाने को आप महसूस नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप यीशु मसीह से अपना व्यक्तिगत संबंध बना लेंगे, जिस दिन आप ये नहीं कहेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, जिस दिन आप ये कहेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उस दिन आपका जीने का तरीका बदल जाएगा। आपके मन में एक सुकून होगा, आपके मन में एक शांति होगी, आप एक सुरक्षा का एहसास करेंगे, आपको महसूस होगा कि आपका पिता आपके साथ चल रहा है। यस, और परमेश्वर चाहता है कि आप महसूस करें। परमेश्वर चाहता है कि जमीन पर मेरे पुत्र तू मुझे महसूस कर कि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा हाथ थामा हुआ है। वो चाहता है हमें महसूस करना है उसकी उपस्थिति को, क्योंकि वो है तो हम हैं। आप याद रखिए, आप अगर ये समझेंगे कि मैंने अपनी बुद्धि से काम करता हूं, मैंने अपनी अकल लगाई तो मैंने ये बिजनेस किया, मैंने अपनी अकल लगाई तो मैं ये सर्विस में हूं, नहीं मेरे भाई, आपकी सोच गलत है। बुद्धि परमेश्वर देता है, ज्ञान परमेश्वर देता है। जिस दिन हम परमेश्वर के चरणों में अपने आप को अधीन कर देंगे, तब उसकी बुद्धि आपके जीवन में काम करेगी, तब उसकी अकल आपको मिलेगी, तब उसकी आत्मा की अगुवाई में आप चलेंगे। आप सोचिए कि आपको राह दिखाने वाला इस सृष्टि का रचयिता है, आप कभी गलत रास्ते पे जाएंगे? हेलो, आप कभी गलत रास्ते पे जा सकते हैं? अगर आपको यह एहसास है कि आपके आगे चलने वाला, आपको राह दिखाने वाला आपका पिता है जो इस सृष्टि का रचयिता है, आप हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, क्योंकि जो आगे चल रहा है वो कौन है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, उसने ब्रह्मांड की रचना की है, उसने मेरी रचना की है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे भाई, जो आप अगर उत्पत्ति 1:26 देखेंगे कि वो कहता है आओ हमने अपनी समानता अपने स्वरूप में रचें। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने सुबह उठकर महसूस किया है कि मेरे पिता ने मुझे अपने जैसा बनाया है? क्या कहा उसने? आओ हम इनको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। आपने कभी शीशे में अपने आप को 10 बार देखते होंगे सुबह शाम तक, कभी आपने महसूस किया कि मेरे पिता ने मुझे अपने जैसा बनाया है? जिस दिन हम अपने में प्रभु को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे लिए शरीर की अहमियत नहीं रहेगी, हम शरीर के लिए नहीं जिएंगे। जिस दिन हम अपने में यीशु को देखना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम अपने में परमेश्वर को देखना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी सोच बदल जाएगी मेरी बच्ची, आपका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आमीन। उस दिन आप प्रभु के लिए जीना चाहेंगे कि मुझे प्रभु के लिए जीना है, उसने तो मुझे सब कुछ दिया, मैं क्या दूं? फिर आप जब आप प्रार्थना में मांगेंगे नहीं, आप नहीं कहेंगे मुझे नौकरी चाहिए, आप नहीं कहेंगे मेरा धंधा अच्छा चले, आप ये कहेंगे कि पिता बता मैं आपके लिए क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप उस पिता को अपने अंदर ले लेंगे, उस दिन
जिस दिन आप महसूस करेंगे कि आपका पिता आपके अंदर है, जिस दिन आप महसूस करेंगे कि उसने आपका हाथ थामा हुआ है, उस दिन आप ये नहीं कहेंगे, इन छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं मांगेंगे। हम छोटी सी चीजें मांगते हैं, मेरा 10,000 रुपए की इनकम है प्रभु, 12,000 हो जाए, मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, हम यही मांगते रहते हैं। ये तो बहुत मामूली चीज है, कभी भी उनसे ये चीजें मत मांगिए। वो पिता परमेश्वर है, उससे मांगिए अपनी शांति, उससे मांगिए अपना आनंद, उससे मांगिए वो बुद्धि जो परमेश्वर की है, उससे मांगिए कि मैं तेरी ऊंचाई लंबाई गहराई चौड़ाई को जान सकूं, ऐसी मुझे बुद्धि दे। राजा सुलेमान ने क्या मांगा था? राजा सुलेमान ने क्या मांगा था? विजडम। परमेश्वर ने कहा तुझे क्या चाहिए? दाऊद का बेटा राजा, परमेश्वर ने कहा क्या चाहिए तुझे? उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए ताकि मैं तेरे राज्य को तेरे अनुसार चला सकूं। आमीन। परमेश्वर ने कहा तूने मुझे बुद्धि मांगी है, मैं तुझे बुद्धि देता हूं, लेकिन बुद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य भी देता हूं, दौलत भी देता हूं, मान और सम्मान भी देता हूं, तेरा नाम ऊंचा होगा। आपको नहीं पता बुद्धि की कीमत क्या है? इस देश को कौन संभाल रहा है? प्रधानमंत्री नहीं संभाल रहा है, उसके नीचे वो जो बंदा है जिसके पास बुद्धि है। हेलो, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो जानते हैं गणित क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, किसी मंत्री को नहीं पता है, वो संभाल रहे हैं। वो बताते हैं कि साहब ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर परमेश्वर की आपको बुद्धि मिल गई तो आप सोचिए, ये दौलत ये सब कुछ आपके पीछे आएंगे, इसको आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको ढूंढिए, ये सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। आपकी प्रार्थना होना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं, मुझे तेरी उपस्थिति हर पल चाहिए, हर दिन चाहिए, बस इतनी डिमांड करिए और उसके लिए उसके लिए योग्य चाल चलिए। हालेलुया। जब आप उसके अनुसार चाल चलेंगे, उसके अनुसार जीवन बिताएंगे, अद्भुत आशीष पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, लूका 12:6-8 में आपके लिए पढ़ूंगा, फिर हमारी बच्ची पढ़ेगी। हालेलुया। इस वचन में बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा, यह वचन बहुत ही आपको एक समझ देने वाला है, आपको बताने वाला है कि आप मसीहत को कैसे गुजारें, मसीह जीवन को कैसे जिए। प्रेज द लॉर्ड। लूका 12 उसका 6-7-8 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती, फिर भी परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। 7 वास्तव में तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं, मत डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से भी बढ़कर मूल्यवान हो। अब इस वचन को हम समझने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। सबका ध्यान मेरी तरफ है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, एकाग्रता की, ताकि मैं इस वचन को समझकर ग्रहण कर सकूं। कुछ मत देखिए, कुछ मत इधर उधर मत सोचिए। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। रचने वाला कौन है? परमेश्वर। किस चीज के लिए नहीं भूलता? ऐसा कौन सा काम किया इन गौरैयों ने क्यों नहीं भूलता? हेलो। उस जमाने में जो यहूदी थे, एक बलिदान बहुत जरूरी था। उस जमाने में जो यहूदी थे, बड़े बड़े बलिदान करते थे, बकरे का बलिदान करते थे, बड़े बड़े जानवरों का बलिदान करते थे, जिनके पास पैसा होता था। लेकिन जो गरीब होते थे यहूदी, जिनके पास पैसा नहीं होता था, वो छोटी छोटी 2 पैसे में गौरैयों को लेकर उनका बलिदान परमेश्वर के लिए करते थे। समझ रहे हैं आप लोग? 2 पैसे में 5 गौरैया किसके लिए?
जिनके पास पैसा नहीं होता था और उन्हें बलिदान करना है, बलिदान की रीति के अनुसार वो परमेश्वर को बताते थे कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। उस समय हालेलुया जानवरों का बलिदान होता था, आज भी जानवरों का बलिदान होता है। जानवरों का बलिदान इसलिए होता है ताकि वो ये समझते हैं कि हम अपने पापों को जानवरों के द्वारा हम परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। हालेलुया आज भी जब जानवरों का बलिदान होता है, जो बकरे का बलिदान होता है, कैसे होता है आपको पता है? जो भी एक जाति है, मुस्लिम जाति है, वो बकरों का बलिदान करती है। किस लिए करती है? बकरे को पालती है और बकरे को पालकर ये कहती है कि मैं, जब वो उसको बलि करने वाले होते हैं तो बकरे के सिर पर दोनों हाथ रखते हैं, बकरे के सिर पर दोनों हाथ रखते हैं और ये उनमें आयत पड़ी जाती है, प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो पाप हैं वो बकरा ले रहा है और बकरे की जो पवित्रता है वो मैं ले रहा हूँ। तो ये समझते हैं कि एक बकरा उन्होंने मारा तो उनके पाप क्षमा हो गए और बकरे ने उनके पाप ले लिए और बकरे की जो पवित्रता है वो उन्होंने ले ली और इसके बाद वो बकरे को बलि कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि उनके पाप क्षमा हो गए। इसीलिए यीशु मसीह मारा। अब जो बकरा है क्या वो अपनी इच्छा से मर रहा है? नहीं। मैं तो अंधेरी में रहता था, हमारे घर के पास मुस्लिम कॉलोनी थी और हम जब बकरे बनते थे हम उनको देखते थे, बेचारे रोते थे, उनकी आंखों से आंसू बहते थे, उनको पता था कि अब कटने वाले हैं। तो ये बलिदान नहीं हुआ, बलिदान। दान का मतलब क्या है? अपनी इच्छा से। मेरा बर्थडे है और मैंने आपको बुलाया कि आप मेरे बर्थडे पर आइए, तो आप अगर कोई दान लेकर आएंगे तो आप पूछेंगे नहीं कि पास्टर आपको क्या चाहिए। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे लिए शर्ट लाना, मेरे लिए पैंट लाना या मेरे लिए पैंट। नो, प्रेजेंट आप अपनी इच्छा से देंगे। दान अपनी इच्छा से दिया जाता है, बलिदान। दान का मतलब है अपनी इच्छा से। तो क्या वो जो बकरा है अपनी इच्छा से दान दे रहा है? नहीं। और क्या वो पवित्र है? क्या वो निर्दोष है? क्या वो निष्कलंक है? नहीं। इसलिए संपूर्ण और सच्चा जो बलिदान है वो यीशु मसीह ने दिया, क्योंकि यीशु मसीह आदमी और औरत के संबंध से पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह मरियम की कोख में पवित्र आत्मा के सामर्थ से आए। इसलिए यीशु मसीह में ना पाप था ना निष्कलंकता थी, निर्दोष थे वो, पवित्र थे, निर्दोष थे, निष्कलंक थे। और इसीलिए और उन्होंने अपनी इच्छा से बलिदान दिया हमारे लिए। इसलिए बाइबल कहती है जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा उसके बलिदान पर, यूहन्ना 3:16 जल्दी से निकालिए, उस पर लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। कब? जब आप विश्वास करेंगे कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, और यीशु मसीह अपनी इच्छा से मरा, वो क्रूस पर अपनी इच्छा से मरा। उसने हाथों में कीले, पैरों में कीले चुभवाई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसने 39 कोड़े, जब उसको मारा गया, आप नहीं जानते किस तरीके से। उस समय जब यहूदियों की जो क्रूस की मौत होती थी वो बहुत बुरी, दर्दनाक होती थी, जब वो मारते थे उनके हाथ में एक हंटर होता था और हंटर का एक सिरा है, उसके आगे उस सिरे पर एक ऐसा कांटा रखा होता था, नोकीला कांटा होता था उस सिरे के, और वो जब हंटर मारते थे तो सामने वाले जिस पर हंटर मारते थे उसके शरीर में वो जो कांटा था धस जाता था, धस जाता था, और फिर वो उस कांटे को खींचते थे, तो यानी कि यहां का मांस, यहां का गुदा वो कांटा निकाल कर आता था। इसीलिए बाइबल कहती है जब यीशु मसीह क्रूस पर थे तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे, पूरा लहू बह गया था उनका, पूरी तरीके से लहू बह चुका था। 39 कोड़ों की मार खाई, क्यों? ताकि हम आजादी महसूस करें, ताकि हम श्रापों और पापों से मुक्त हो जाएं, ताकि हम हर बीमारी से मुक्त हो जाएं। इसलिए आपका विश्वास, आपका बलिदान आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा। इसलिए बलिदान यीशु मसीह ने किया, और यीशु मसीह के बलिदान के आगे उसके बाद कोई बलिदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कर दिया है। लेकिन जबकि मैं बात कर रहा हूं यहां पर, आप देखिए कि 2 पैसे में 5 गौरैया वो लोग लेते थे जिनके पास पैसा नहीं था,
और वो बलिदान की रीति से निकलना चाहते थे। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है कि क्या दो पैसे में पांच गौरैया नहीं बिकती, फिर भी परमेश्वर उनमें से किसी एक को भी नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि गौरैया परमेश्वर के लिए बलिदान हो जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं भूलता? उनकी भलाई को नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए बलिदान हुई हैं। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है कि वास्तव में तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए हैं, मत डरो, तुम बहुत सी गौरैयों से भी बढ़कर मूल्यवान हो। वरन तुम्हारे सिर के सब बाल तक भी गिने हुए हैं, तो डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर मूल्यवान हो। यहां बढ़कर लिखा, मेरी बाइबल में लिखा है बढ़कर मूल्यवान हो। आप मूल्यवान कब होंगे? कब होंगे आप मूल्यवान? परमेश्वर ने आपको रचा, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप मूल्यवान कब होंगे? जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान देंगे। जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान देंगे। हालेलुया। अब आप बड़े खामोश हो गए कि क्या बलिदान मांगने वाला है पास्टर? बलिदान, अपने सुख का बलिदान। हालेलुया। अपने सुख का बलिदान। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपनी नींद का बलिदान, छोटा छोटा बलिदान। आप नहीं जानते उसकी कितनी कीमत है। आप बड़े ही प्रॉब्लम में आ जाते हो कि अरे यार मुझे जागना पड़ेगा, मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। लेकिन आप नहीं जानते हो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं, आपके मन को देख रहा है कि आप किस मन से उसको प्रार्थना कर रहे हो। आप कैसे कैसे बलिदान कर रहे हो? आपकी थकावट परमेश्वर पल भर में दूर करता है। बाइबल कहती है, हालेलुया, बाइबल भजन संहिता में कहती है कि वो अपने लोगों को, धर्मी लोगों को यूं ही नींद दे देता है, यूं ही नींद दे देता है। जब आप धार्मिकता के अनुसार उसकी सेवा करते हैं ना, तो आपको यूं ही नींद मिल जाती है, आपको अद्भुत आशीष मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। तो वो बलिदान जो परमेश्वर आपसे चाहता है, शरीर को कंट्रोल करने का, शरीर का सुख के लिए कहीं आप आत्मा की शक्ति को दूर ना करें, कहीं आप अपने आत्मा को ना नीचे करें। होता यही है कि हम अपने शरीर के लिए आत्मा को भूल जाते हैं, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने बलिदान के द्वारा संसार से प्रभु में आएं। आप कब आएंगे प्रभु में? जब आप पूरी तरीके से उसके हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए जब गतसमनी का समय था, गतसमनी मत्ती 26 का 38 से 41 के बीच में पढ़िए, गतसमनी में जब यीशु मसीह जा रहे थे, उसके बाद क्रूसीफाइड होने वाले थे, और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, उनके साथ चेले थे, और वो क्या चाह रहे थे चेलों से? पढ़ो बेटा मत्ती 26 का 38 से 41। तब उसने उनसे कहा, हाँ, मेरा जी बहुत उदास है, मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, उदास है। कौन कह रहा है? एक गुरु कह रहा है अपने शिष्यों से। आप सोचिए क्या मांग रहा है वो आपसे। वो अपने मन की स्थिति बता रहा है कि मेरा जी जो है वो बहुत ही व्याकुल हो रहा है। क्यों? यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। हाँ, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, मैं इतना व्याकुल हो रहा हूं। बोलिए आगे। तुम यही ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तुम यही रहो और मेरे साथ जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है? कि आप उसके संग जागें। और कुछ नहीं मांग रहा है, कुछ नहीं मांग रहा है आपसे वो, सोना चांदी कुछ नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है मेरे संग जागो,
क्योंकि जब तुम जागोगे तो तुम शैतान के षड्यंत्र को समझ जाओगे। जब तुम जागते रहोगे तो परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जब तुम जागते रहोगे तो तुम परमेश्वर की योजनाओं को समझोगे। यीशु कहता है मेरे साथ जागो। यीशु कहता है मैं जा रहा हूं स्वर्ग में और तुम्हारे लिए कमरे बनाने जा रहा हूं, लेकिन मैं आने वाला हूं तुमको लेने के लिए, मेरे लिए जागो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप जागेंगे तो आप शरीर से निकलकर आत्मा में आएंगे। जब आप जागेंगे तो आप शरीर के सुख को ना कहेंगे। जब आप जागेंगे तब आप परमेश्वर के प्रेम को महसूस करेंगे। तब आप का प्रेम परमेश्वर महसूस करेगा जब आप जागेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे आज भी याद है जब मैं दिल्ली में अनाउंसर था, टीवी अनाउंसर, और मैं टेलीविजन पे भी अनाउंस करता था और रेडियो पे भी अनाउंस करता था एक साथ। और रात को टेलीविजन खत्म होता था 11 बजे तो दूरदर्शन की गाड़ी मुझे 11 बजे घर पहुंचाती थी, और सुबह 4 बजे रेडियो की जो गाड़ी थी वो मुझे लेने आती थी, क्योंकि 5:30 बजे का जो ऑल इंडिया रेडियो का प्रोग्राम था विविध भारती का, वो मैं अनाउंस करता था। और मुझे याद है कि जब मैं 11 बजे 11:30 पहुंचता था अपने घर में तो मेरी माँ जागती थी और सब सो जाते थे। मेरी माँ जागती थी और मेरे लिए जब मैं नहा धो के आता था मैं कहता था मम्मी तू खाना रख दे, वो रोटी नहीं बनाती थी, मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी तो शायद मेरा बेटा एक और खा लेगा। मुझे अभी भी याद है 12:30 बजे, क्योंकि अगर आप प्रॉपर आपको नींद नहीं मिलेगी, अगर कम नींद मिलेगी तो आपकी आवाज़ में फ़र्क पड़ता है। जब आप सुबह उठें अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपकी आवाज़ में फ़र्क पड़ता है, और मुझे आवाज़ चाहिए, रेडियो में आवाज़ चाहिए। इसलिए मैं उस रात को जब मेरी रात को दूरदर्शन से आता था और सुबह जाता था मैं रेडियो के लिए, उस रात में सोता नहीं था। और मुझे अभी तक याद है कि मेरी मम्मी मुझे रोटी बना के देती थी और जब रोटी खा लो उन्होंने कहा मम्मी आप सो जाओ, कहते नहीं तू जाग रहा है मैं भी तेरे संग जागूंगी, हम लोग बात करेंगे, तेरा समय निकल जाएगा, क्योंकि खाना खाते खाते 1:30-2 बज जाता था। मैं जानता था वो मेरी माँ का बलिदान, जो मेरे संग जागती थी रात को, बातें करती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिया उस बलिदान ने मुझे? उस माँ के प्रेम को अभी तक दिल में रखा है। क्या दिया मुझे उस बलिदान ने? मां के संस्कार। क्या दिया उस बलिदान ने मुझे? धैर्य रखना सिखाया, दीनता दिखाई, प्रेम सिखाया, नम्रता सिखाई उस बलिदान ने। यही तो परमेश्वर चाहता है कि जब आप परमेश्वर के लिए बलिदान करते हैं अपने शरीर का, अपने सुख का, तो आप में दीनता आती है, आप में नम्रता आती है, आप में परमेश्वर के लिए प्रेम आता है, आप बड़ी से बड़ी चीजों को भी त्याग करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हालेलुया। नहीं तो आपका जो शरीर है ना वो छोटी से छोटी चीज त्याग नहीं सकता। आपका शरीर कहेगा नहीं 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 भैया नहीं, परमेश्वर की प्रार्थना अलग है लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे सोना है, अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, यानी कि परमेश्वर की प्रार्थना सबसे बाद में, समय मिलेगा तो प्रार्थना कर लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं, हमें सबसे पहला समय उसको देना है, हमें पहला उसको धन्यवाद करना है, हमें सबसे पहले उसको बताना है कि तू मेरा सच्चा रिश्ता है। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, अगर उसके संग मेरा रिश्ता पक्का है तो जमीनी रिश्ते भी पक्के हैं। अगर मैं उसका नहीं हुआ जिसने मुझे दिया है तो मैं किसी का नहीं। अगर मैं उसके संग वफादारी नहीं करता हूं तो मैं किसी के संग वफादार नहीं हो सकता हूं। अगर मैं उसके संग वफादार हूं तो मैं किसके संग? दुश्मन के संग भी वफादार हुआ, क्योंकि बाइबल कहती है दुश्मनों से प्यार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु कहते हैं अपने चेलों से जागो, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मैं मरा जा रहा हूं, मेरे संग जागो। हेलो, जागो और समझो कि तुम कहां से आए हो। व्यवस्था विवरण 8:2,
डिटोनोमी 8:2 क्या चाहता है जब इज़राइल को लेकर परमेश्वर लाल समुद्र पार कराकर जंगल में लेकर आया तो वो क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, पढ़ो 8:2 जल्दी से। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। एक मिनट, स्मरण रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए लाया है कि ताकि तुझे नम्र बनाए, ताकि तू जाने कि तू कौन था। वो क्यों जानने के लिए बोल रहा है आपसे, ताकि आप जाने कि आप कौन थे पहले। जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया उससे पहले क्या थे, कौन सा पाप आपके अंदर था, वो आपने कौन कौन से पाप किए थे। यीशु मसीह ने जब आपको शुद्ध किया, जब पवित्र किया, तो कौन से पाप आपके अंदर से निकले। जागो और जानो, क्योंकि अगर हम अपनी पहली स्थिति को जो हमारी थी, परमेश्वर चाहता है अगर उसको याद करिए कि आप क्या थे और क्या आपको मिला है यीशु में। यीशु में कौन है, यीशु में आप कौन बनते हैं, यीशु के बिना आप क्या थे। जिस दिन आप ये जान लेंगे मेरे भाई, आपका सोचने का तरीका, आपका नजरिया बदल जाएगा। इसलिए वो कहता है जागो। इसलिए हमारे लिए छोटा छोटा बलिदान बहुत जरूरी है, छोटे से छोटा बलिदान आपको सिखाता है नम्रता, छोटे से छोटा बलिदान आप में दीनता लेकर आता है, छोटे से छोटा बलिदान आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है, छोटे से छोटा बलिदान आपको अपने शरीर पर नियंत्रण करना सिखाता है। और अगर आपने इसकी आदत नहीं डाली, अपने छोटे से बलिदान की आदत नहीं डाली, तो मेरे भाई शैतान आपको आपके शरीर के द्वारा खत्म कर देगा, अंधकार में लेकर जाएगा। शरीर के द्वारा, शरीर का सुख, शैतान सबसे बड़ा क्या करता है, इंसान सोचता है कि मैं जो दिख रहा हूं। शैतान हमेशा झूठ बोलता है। उस झूठ को समझने के लिए आपको बलिदान की जरूरत है, उस धोखे को समझने के लिए आपको बलिदान की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है रोमियो 12:1 जल्दी से पढ़िए, रोमियो 12:1 क्या कहता है कि अपने शरीर याद रखो। फिर वो यहां पर वो बताता है स्मरण रख, उसकी आशीषों को स्मरण रख। रोमियो 12:1 जल्दी पढ़ो बेटा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। आमेन। हेलो, वो क्या कह रहा है कि बलिदान करने से पहले याद करो उसकी दया को। मैं तुम्हें परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता है, वो रिक्वेस्ट करता है कि अरे उसकी दया को जानो, उसके अनुग्रह को समझो। और तब क्या करो, दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जो परमेश्वर को पसंद है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जियो, संसार की तरह जीवन मत जियो। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जियो, तब तुम आशीष पाओगे, तब तुम परमेश्वर के मन को जानोगे, तब परमेश्वर का आशीष तुम्हें मिलेगा, तब परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करोगे, तब उसकी शक्ति आपके जीवन में काम करेगी, तब आप परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर को भावता है वो बलिदान चढ़ाओ। अगर परमेश्वर चाहता है कि तुम शरीर के सुख को ना कहो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। अगर आप अपना इनकार करेंगे तो ही आप परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं,
नहीं तो नहीं चल सकते हैं, ड्रामा मत करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए छोटे छोटे बलिदान आपके जीवन में बहुत जरूरी है, इसलिए आज से बलिदान करना शुरू करिए।